नॉर्मलाइजेशन का दिक्कत है। एक लड़का 70 नंबर पाया है उसका 92 हो जा रहा है, और कोई 70 नंबर पाया उसका 50 नंबर हो जा रहा है। वो कहना है कि ये एक दैवीय शक्ति है जो इसे कर रही है, मतलब उनका कहना साइंटिफिक फॉर्मूला है, तो लड़कवा बैल नहीं है। बात बिहार की करते हैं। आरआरबी की एनटीपीसी परीक्षा को लेकर शुरू हुए बवाल में कार्यवाही शुरू हो गई है। इस कार्यवाही में एक चर्चित नाम खान सर का है। पटना में छात्रों को भड़काने के आरोप में खान सर समेत 6 शिक्षकों पर FIR दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक वीडियो फुटेज और मौके से गिरफ्तार लोगों के बयान के आधार पर आगे की कार्यवाही जारी। वो भी साइंटिफिक फॉर्मूला पढ़ता है, उसको न्यूटन का नियम पता है, उसको आइंस्टीन का पता है, अब वो माथा पीट रहा है कौन वैज्ञानिक है। तो आरआरबी में एक से एक वैज्ञानिक बैठा है सब, जो जन्म नहीं लिया है, अवतार लिया है, किस लिए? बर्बाद करने के लिए करी। बेकाबू इलेक्ट्रिक बस ने राहगीरों को रौंदा। बस कई वाहनों को टक्कर मारते हुए डंपर से टकराई। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की हुई मौके पर मौत, 9 लोग घायल, जिन्हें प्राइवेट अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हादसा उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाबूपुरवा थाना इलाके का है। राज्य मंत्री ने न्यू रामनगर में 3 ट्रेड ITI भवन निर्माण का किया भूमि पूजन। राम खेलावन पटेल जी ने कहा कि न्यू रामनगर ITI प्रदेश का पहला विकास खंड स्तरीय संस्थान होगा, जहां मोटर मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे जिला स्तरीय संस्थाओं के ट्रेड संचालित होंगे। सतना के नागौद में मुख्यमंत्री हितग्राही सम्मेलन और भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज। 7 तारीख को अन्नोत्सव मनाने के लिए सीएम ने दिए निर्देश। सार्वजनिक रूप से राशन बांटने के निर्देश, गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के दिए आदेश। में प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने जिला योजना समिति की बैठक में कहा कि जिले की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न वितरित हो और उन्हें राशन लेने अधिक दूर नहीं जाना पड़े। राशन की दुकानों में हितग्राहियों के राशन वितरण में गड़बड़ी रोकने 24 घंटे निगरानी के लिए नाइट विजन CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सतना जिले के दूरस्थ ग्राम दुर्गापुर में स्व सहायता समूह का किया हित लाभ वितरण। मुख्यमंत्री ने दुर्गापुर को दी 10 करोड़ की निर्माण कार्यों तथा बांध की सौगात। अमर शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को प्रातः 11 बजे से 2 मिनट का रखा गया मौन। कलेक्ट्रेट कार्यालय में सभा कक्ष में अपर कलेक्टर श्री राजेश साही ने महात्मा गांधी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए एवं तत्पश्चात सायरन बजते ही उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रातः 11 बजे 2 मिनट का मौन रखा। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहे पूछता है भारत न्यूज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।